हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू YSI Chidit। दोस्तों, काफ़ी लॉन्ग टाइम से चैनल पे वीडियो आ रही है, तो जो वीडियो अभी आ रही है वो काफ़ी धांसू होने वाली है, मतलब अमेजिंग होने वाली है। आपको लाइटरूम के कुछ हिडन फीचर भी मिलेंगे, इसमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, मतलब कि आप कह सकते हो कि आप लाइटरूम कैसे यूज कर सकते हो, वो देखते हैं इस वीडियो में। तो मान लो मैंने अपनी एक पिक इसमें इम्पोर्ट कर ली है लाइटरूम में। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं अपन लाइट वाले ऑप्शन से, देखते हैं सबसे पहले लाइट है, लाइट पे ओके करेंगे तो पहला ऑप्शन आता है एक्सपोजर। इसका बेसिकली मतलब होता है कि फ़ोटो में लाइट कम या ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए, इसको माइनस में लेके जाएंगे तो कम होगी लाइट, और प्लस में लेके जाएंगे तो लाइट इंक्रीज होगी। ठीक है, आगे है कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है, मतलब फ़ोटो में काफ़ी फीकापन होता है ना, तो उसको मतलब इंक्रीज़ करने के लिए कॉन्ट्रास्ट भी इंक्रीज़ किया जाता है। ये देखिए, अब ये देखिए, कब वापस मतलब अपने माइनस में ले लिया कॉन्ट्रास्ट तो फीकी हो गई है काफ़ी। अब तो इसका थोड़ा बहुत बढ़ा देते हैं अपन, फ़ोटो को अपने को एक मैनेज करनी है तो लाइटिंग इसमें 0.04 रख लेते हैं। और हाईलाइट है, हाईलाइट का मतलब होता है कि पिक्चर्स में आपका कौन सा पार्ट ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है या कौन सा पार्ट ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो मेरे को तो इस पिक्चर में स्काई नज़र आ रहा है शायद, देखते हैं अपन इसमें क्या है। तो देख लीजिए, हाईलाइट सिर्फ स्काई को ही हाईलाइट कर रहा है। ठीक है, 20 रख लेते हैं, 18 रख लेते हैं। अब शेडोज, शेडोज मतलब छाया, आप जानते हैं शेडो का मतलब। तो अब देखिए शेडोज में क्या क्या शेडो आएगी। एक जो इसमें टी शर्ट है उसका कलर ब्लैक है, तो ये शेडो ब्लैक पे मतलब ये टी शर्ट पे है उस पर ही अप्लाई होगा ये शेडो। देखना, ये देख लो, जहाँ जहाँ पे मतलब ब्लैक से वहाँ वहाँ पे आएंगे। आगे वाइट, अब वाइट इसमें ज़्यादा पार्ट कौन सा है, स्काई है तो वही हाईलाइट होगा, देख लो ज़्यादा से ज़्यादा। ब्लैक है, ब्लैक कौन सी चीज़ है, वही हो रही है इसमें भी। मतलब शेडोज और ब्लैक दोनों काम एक ही तरीके से करते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत डिफरेंट है इनके अंदर, ये देख लिया। अब आगे चलते हैं अपन कलर वाले टूल में। सबसे पहले देख लेते हैं टेम्परेचर, फोटो का टेम्परेचर होता है, मतलब टेम्परेचर को माइनस में लेके जाएंगे तो फोटो में ब्लू टोन आएगा, और प्लस में लेके जाएंगे तो फोटो में येलो टोन आएगा। ठीक है, टिंट है, ये भी देख सकते हो आप, टिंट वहाँ काम आता है जहाँ पे बैकग्राउंड में कलर काफ़ी ज़्यादा होते हैं ना, वहाँ पे टिंट काम आता है। और वाइब्रेंस है, ये फ़ोटो को मतलब B&W करने का काम आता है, मतलब ब्लैक एंड वाइट। ये देख लीजिए, ये ब्लैक एंड वाइट है, ये कलरफुल है। ठीक है, सैचुरेशन है फ़ोटो की, ये भी देख लीजिए, ये भी यही B&W वाले काम करता है, ये भी थोड़ा बहुत डिफरेंट है इनमें भी। अब आते हैं मोस्ट टॉपिक, मिक्सर है, ये कलर ग्रेडिंग का आता है, इसका अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं पूरा, आपको बेसिक बेसिक बता रहा हूँ लाइटरूम में क्या क्या आता है। अब आते हैं नेक्स्ट इफेक्ट वाले पे, टेक्सचर क्या आता है। टेक्सचर वो होता है आपके मतलब किसी फेस को आपने मान लीजिए स्मूथ ज़्यादा ही कर लिया है, तो उसमें टेक्सचर लाने के लिए टेक्सचर का उपयोग, मतलब टेक्सचर काम में लिया जाता है, इससे फ़ोटो में क्लियरिटी भी बढ़ती है। और एक क्लियरिटी का ऑप्शन है ही है, इसमें ज़्यादा क्लियरिटी करने पर फ़ोटो कार्टून टाइप नज़र आने लगती है। डिहेज है, ब्लैक एंड वाइट देता है फ़ोटो में टोन, देख लीजिए ये वाइट टोन है तो ब्लैक टोन आ गया थोड़ा। ठीक है, विग्नेट का मतलब होता है फ़ोटो के चारों ओर व्हाइट बैलेंस करना और ब्लैक बैलेंस करना, वो कैसे होता है देखना। अगर हम विग्नेट प्लस में लेके जाएंगे तो फोटो के चारों ओर व्हाइट कलर आएगा, देख लो, मतलब व्हाइट डस्ट सी आएगी, और माइनस में लेके जाएंगे तो ब्लैक टोन आएगा, ये देख लो। ठीक है, मिड पॉइंट, फेदर, रफनेस या राउंडनेस, ग्रेन अमाउंट, ये काम की नहीं है। अब आता है शार्पनेस, शार्पनेस से देखो, अभी ये फोटो है, अभी अपन शार्पनेस करेंगे तो आप खुद देख लेना शार्पनेस क्या चीज़ है। ये देख लीजिए, ये था बिफोर, ये था आफ्टर, तो शार्पनेस में देख लीजिए क्या क्या आएगा।
फ़ोटो की जो शार्पनेस होगी, जो फ़ोटो में जो आपने काम किया है ना, वो काफ़ी ज़्यादा ही शार्प होगा बढ़ाने पर। नॉइस रिडक्शन में मतलब फ़ोटो के में आपकी जो भी नॉइस होती है ना वो निकल जाती है नॉइस रिडक्शन इंक्रीज करने पे। और ये देखिए, ये सिलेक्टिव टूल्स आते हैं जो प्रीमियम होता है ना, प्रीमियम लाइटरूम, उसमें ही ये सिलेक्टिव टूल का ऑप्शन काम करता है। जैसे ये अपने सर्कल वाला ले लिया, तो ये यहाँ पे ले लिया, मान लीजिए यहाँ पे अपन को वर्क करना है, यहाँ पे लाइटिंग में वर्क करना है, तो अपन लाइट कितनी बढ़ाएं ये देख लीजिए, ठीक है, कॉन्ट्रास्ट यहाँ पे बढ़ाना है, मतलब सिलेक्टिव जगह पे ही ये मतलब सिलेक्टिव टूल काम आता है। मतलब ये है इसका, अपन को यूज़ नहीं करना है, लेकिन इसमें बता रहे हैं सिर्फ, ठीक है। अगर आपको प्रीमियम लेना है तो मेरे को इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो। और आगे के जो हीलिंग और प्रोफाइल, और ये देखो लाइटिंग में एक टूल है कर्व टूल, इसके ऊपर आपको एक प्रॉपर वीडियो चाहिए तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और ये कलर टोन है मिक्सअप वाला, इसका भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, आपको वीडियो चाहिए तो। ठीक है, ये देख लीजिए, तो थी अपनी फ़ोटो बिफोर और ये आफ्टर। अपन ने इसमें कुछ किया नहीं है, नॉर्मली किया है, आपको समझाने के लिए मैंने ये सब किया था, बल्कि फ़ोटो पहले से एडिट हुई हुई थी, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सभी सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।